हेलो फ्रेंड्स, मैं सरोज अपने सतरंगी चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। अपने व्यूअर्स की डिमांड पर आज मैं आपके लिए इस कार्डिगन का फुल मेजरमेंट लेकर आई हूँ। देखिए, जिसके हिप की साइज 41 है, उसके ये कार्डिगन एकदम फिट आएगी। इसे बनाने के लिए मैंने वर्धमान का 400 ग्राम माइक्रो शाइन वूल और 9 नंबर की सिलाई यूज की है। देखिए, सबसे पहले हम पीछे के पार्ट पर जाते हैं। पीछे के भाग में ये 100 फंदे डाले गए हैं। 100 फंदे डालने के बाद बॉर्डर नहीं बनाया गया है, सीधे ही ये छोटी वाली बुनाई डाली गई है। इस छोटी बुनाई का वीडियो मैं पहले ही अपने चैनल पर अपलोड कर चुकी हूँ, तो आप वहाँ से देख लें और इस छोटी बुनाई को डाल लें। इस छोटी बुनाई को डालने के बाद आप 8 इंच बुन लीजिए, उसके बाद एक फंदा घटा दीजिए, फिर 6-7 सिलाई बुनिए और एक फंदा और घटा दीजिए। इसके बाद 6-7 सिलाई बुन करके एक फंदा बढ़ा लीजिए, फिर 6-7 सिलाई बुनिए और एक फंदा और बढ़ा लीजिए। तो आपको पहले एक एक करके दो फंदे घटाने हैं, फिर एक एक करके दो फंदे बढ़ाने हैं, तो आपके ऊपर उतने ही फंदे हो जाएंगे जितने कि आपके नीचे थे। इससे आपकी ये साइड की जो कटिंग है, ये शेप आपकी इस तरह से आएगी जैसे कि आपको इस कार्डिगन में दिखाई दे रही है। आगे और पीछे दोनों पार्ट में आपको 8 इंच बुनने के बाद पहले एक एक करके दो फंदे बंद करने हैं, फिर एक एक करके दो फंदे बढ़ाने हैं। नीचे से मुड्डा घटाने तक की लंबाई 19 इंच है। जब आप 19 इंच बुन लीजिए, तो आप 4-3-2-1 से मुड्डा घटा लीजिए। मुड्डा घटाने के बाद आपको 8 इंच और बुनना है। जब आप 8 इंच और बुन लेंगी, तो आप यहाँ तक बुन लेंगी। कंधे पर ये 21 फंदे हैं, दोनों साइड कंधे पर 21-21 फंदे हैं। फ्रेंड्स, पीछे गला नहीं घटाना है। हमारे बहुत से व्यूअर्स ने पूछा है कि पीछे का गला कैसे घटाएंगे, तो पीछे गला नहीं घटाना है। इसके बाद हम आगे के पार्ट्स पर आते हैं। आगे का एक पार्ट बनाने के लिए हमें 50 फंदे डालने हैं और 8 फंदे बटन पट्टी के अलग से हैं, यानी कि 58 फंदे हमको टोटल डालने हैं। इसके बाद आप 5 इंच बुन लीजिए, फिर आप ये वाली बुनाई डालिए। इस बुनाई का वीडियो भी मैंने अपने चैनल पर अपलोड किया हुआ है, तो आप वहां से देख सकती हैं कि ये बुनाई कैसे डालनी है, और आप वहां से बुनाई डाल लीजिए। इधर जो भी एक्स्ट्रा फंदे हैं, वो मैंने उल्टे बुन लिए हैं। ये बटन पट्टी का बॉर्डर धनिया वाला बॉर्डर है, इसमें एक फंदा उल्टा और एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा एक फंदा सीधा बुना जाता है। फिर उल्टी सिलाई पर भी उल्टे फंदे पर सीधा फंदा और सीधे फंदे पर उल्टा फंदा बुनना होता है। फ्रेंड्स, अगर आपको इस तरह से समझ में नहीं आ रहा है, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं आपके लिए इसका वीडियो भी बनाकर डाल दूंगी। अब हम पॉकेट पर आते हैं। देखिए, नीचे से यहाँ तक की लंबाई 9 इंच है। ये जो पॉकेट का हमने जो बॉर्डर बनाया है, वहां तक 9 इंच है। ये पॉकेट 22 फंदे की है और 6 इंच नीचे गहरी है। इसके बाद आप 19 इंच बुन लीजिए, उसके बाद आपको मुड्ढा घटाना है। फ्रेंड्स, याद रखिए, मुड्ढा घटाने से 3-4 सिलाई पहले ही आपको कॉलर बनाना शुरू कर देना है। दोनों साइड का कॉलर कैसे बनाया जाएगा, मुड्ढा कैसे घटाया जाएगा, इन सब चीजों के वीडियोस मैं अपने चैनल पर पहले ही अपलोड कर चुकी हूँ, तो आप वहां से देख लीजिए और बना लीजिए। इसके बाद जब आप पूरा यहां तक बना लेंगी आगे का पार्ट, तो ये कंधे जोड़ दीजिए। दोनों साइड के आगे और पीछे के फंदे जोड़ लीजिए। ये कैसे जोड़ने हैं, इसका वीडियो भी मैंने अपने चैनल पर अपलोड किया हुआ है। इसके बाद हम आते हैं आस्तीन पर। आस्तीन पर देखिए, ये मैंने 45 फंदे डाले हुए हैं और हर छठवीं सिलाई पर दोनों साइड से एक एक फंदा बढ़ाते हुए आपको आस्तीन बनानी है। आस्तीन की यहां तक की लंबाई 19 इंच है
और कंधे से आस्तीन की लंबाई ये 21 इंच है। यहां तक पहुंचते पहुंचते ये फंदे आपके करीब 96 हो जाने चाहिए। इसके बाद आप 4-3-2-1 से आस्तीन भी घटाइए, फिर दोनों साइड से दो दो फंदे घटाते हुए 3 बार घटाइए, उसके बाद सारे फंदे एक साथ बंद कर दीजिए तो आपकी आस्तीन तैयार हो जाएगी। इसी तरह से आप दोनों आस्तीन बना लीजिए। और देखिए ये गले की पट्टी है, ये पट्टी कैसे बुनी जाती है ये भी मैंने अपने चैनल पर इसका वीडियो भी अपलोड किया हुआ है, तो आप देख लीजिए और ये गले की पट्टी भी बुन लीजिए। लास्ट में देखिए मैंने एक लाइन कंगूरे की बना दी है क्रोशिए से, ये कैसे बनाई जाती है इसका वीडियो भी मैंने अपने चैनल पर अपलोड किया हुआ है, तो आप ये भी बना सकती हैं। अब देखिए बटन होल कैसे बनाने हैं इसका वीडियो भी मैंने अपने चैनल पर डाला हुआ है, तो आप वहां से देख करके बटन होल भी बना सकती हैं। तो फ्रेंड्स जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और ऐसा सुंदर सा कार्डिगन बना करके तैयार कर लीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।